नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपनी इस वीडियो में टिमूर के छोटे छोटे दाने होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में अपनी इस वीडियो में बताया है। ये इसकी खेती जो होती है नेपाल में होती है, लेकिन ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर हर जगह मिलते हैं, मसाले की दुकान पे, ऑनलाइन, कहीं से भी आप इन्हें खाने के लिए मंगा सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, ये छोटे छोटे काले रंग के दाने हैं और इसे टिमूर के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसकी खेती होती है, लेकिन इसे अगर हम यूज़ करना चाहें तो हर जगह ये मसाले की दुकान पे मिल जाएगा। और इसे टिमूर तो कहते ही हैं, लेकिन ये टिमूर बहुत खुशबूदार दाने होते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया जाता। बस एक या दो दाने ही बहुत होते हैं खाने, और ये बहुत फ़ायदा करते हैं। इसे हफ्ते या 15 दिन में आप खाएं, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, और ये जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जिस जगह दांत में कीड़ा लग जाता है, उस जगह इसका एक दाना उस जगह रख लिया जाता है ऐसे ही मुँह में, और फिर तब तक उस दाने को हम चूसते रहें जब तक कि उसका रस ख़त्म नहीं हो जाता। और रस ख़त्म जब हो जाए तो हम उसे खा लेते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में मत खाना। और इससे दांत दर्द, मुंह की बदबू, अगर जिनके मुंह में बहुत बदबू आती है तो इसे खाएंगे तो उन्हें फ्रेश फील होगा और बहुत अच्छा महसूस होगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। टमाटर की चटनी बनाते समय इसके दो दाने डाल करके आप जब टमाटर की चटनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी चटनी लगेगी, और ये गैस वगैरह पेट को भी बहुत सही रखता है। कब्जी को तो ख़त्म करता ही है, इसकी तासीर गर्म होती है। बस इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उन्हें भी ख़त्म करता है। तो आप इसे, इन टिमूर को, टिमूर के दानों को थोड़े से ही मात्रा में अगर हर महीने मंगा करके ऑनलाइन या दुकान से, मसाले की दुकान से लाएंगे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी बीमारियों से आपको राहत भी मिलेगी, फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इसे भी अपने राशन में मैं तो ये कहूँगी कि शामिल करें और खाएं।